नमस्कार। आज हम जानेंगे असेट्स और एक्सपेंसेस के बारे में। एक चीज हम समझ सकते हैं, असेट्स एक्सपेंसेस ये दोनों लगभग एक ही चीज हैं। जैसे हमने कंप्यूटर खरीदा, इसको हम बोलते हैं असेट्स। हमने कहा स्टेशनरी खरीदी, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। ऐसा क्यों है? देखिए, दोनों में पैसा खर्च हुआ है, लेकिन स्टेशनरी को हम बोल रहे हैं एक्सपेंसेस और कंप्यूटर को बोल रहे हैं असेट्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये खर्चा एक साल में खत्म हो जाएगा। ये खर्च जो किया है हमने, एक साल में खत्म हो रहा है। और ये कंप्यूटर जो है, इसकी आयु जैसे हमने मानी है 4 साल या 5 साल। 50,000 का हमने कंप्यूटर खरीदा है, इसकी आयु माना हमने 5 साल। तो ये खर्चा 5 साल के लिए हुआ है, यानी कि इस खर्चे को 5 साल में हमें डिवाइड करना होगा। 5 साल में डिवाइड किया तो जब ये साल खत्म होगा, फाइनेंशियल ईयर जब ये खत्म होगा, तो ये 10,000 खत्म हो जाएंगे, ये एक्सपेंसेस हो जाएगा। और बाकी की जो चीज बची हुई है वो असेट्स है। और ये एक्सपेंसेस को किस तरह से मेंशन करेंगे? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास। इस कंप्यूटर की कीमत कम हो गई है 10,000 रुपए इस साल में, इस वित्तीय वर्ष में ये 10,000 इसकी वैल्यू कम हो गई है। बाकी जो चीज बची हुई वो असेट्स है। अब ये असेट्स दो तरह की होती हैं, फिक्स असेट्स और करंट असेट्स। फिक्स असेट्स को हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आज हमें पैसों की जरूरत है और हम जिस चीज को तुरंत बेच सकते हैं वो कहलाएगी करंट असेट्स, और जो तुरंत न बिके वो कहलाएगी फिक्स असेट्स। एक्सपेंसेस भी दो तरह के होते हैं, एक्सपेंसेस डायरेक्ट और एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट। ऑफिशियली जो भी खर्चे होंगे वो एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट हैं। फैक्ट्री या माल संबंधी जो भी खर्चे होंगे वो एक्सपेंसेस डायरेक्ट कहलाएंगे। इस तरह से हम असेट्स और एक्सपेंसेस को समझ सकते हैं। थैंक यू। आप किस टॉपिक के बारे में नया वीडियो देखना चाहते हैं? कौन से टॉपिक पर वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यह वीडियो अपने ऐसे साथियों को जरूर शेयर करें जिनके लिए फायदेमंद हो सकता है। इस तरह के और भी नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें। यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो इसे तुरंत लाइक करें। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं डॉक्टर AK जैन अपनी पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद।